हेलो एवरीवन, तो आज हम आपको घुमाने लेकर जा रहे हैं मुगल गार्डन जो कि राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है। तो इस वीडियो में बने रहिए एंड विल टेल यू एवरीथिंग यू शुड नो बिफोर विजिटिंग हियर। तो अराउंड 2:30 बजे हम अपनी लोकेशन में पहुंचते हैं, बट वीकेंड रश होने की वजह से पार्किंग बिल्कुल फुल थी, बट फॉर्चुनेटली हमें गेट नंबर 38 के पास पार्किंग मिलती है एंड देन वहाँ गाड़ी पार्क करके हम पैदल ही गेट नंबर 35 की ओर आते हैं। अच्छा, वैसे यहाँ कोई प्रॉपर पार्किंग का सीन तो नहीं है, बट हाँ, आपको जहाँ जगह मिलती है वहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो एंट्री गेट पे आपको कुछ क्यूआर मशीन भी मिल जाएंगी जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या क्यूआर कोड से स्कैन करके भी आप अपने पासेस ले सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप अपने पासेस ऑनलाइन बुक कर लीजिए ताकि आपको लाइन में ना लगना पड़े। तो ऑनलाइन प्रोसेस काफ़ी ईजी है, इसमें आप अपनी विजिटिंग डेट, नंबर ऑफ विजिटर्स, एंट्री स्लॉट और अपना फ़ोन नंबर एंटर करके अपनी पासेस बुक कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेक कर लेना। तो 3 सिक्योरिटी चेक्स के बाद आप गेट नंबर 35 से एंटर करते हैं एंड आप हमारी तरह वीकेंड में आ रहे हैं तो आपको अच्छा खासा रश तो देखने को मिल जाएगा। वेल, मैं आपको एक बात बता दूं कि मुगल गार्डन हैज बीन रिसेंटली रीनेम्ड एज अमृत उद्यान। तो ये इस पूरे गार्डन का मैप है जिससे आप की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जगह जगह पर आपको ऐसे QR कोड वाले बोर्ड्स मिल जाएंगे जहां पर आप स्कैन करके राष्ट्रपति भवन म्यूजियम की टिकट्स भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो मेन गेट से एंटर करने के बाद जो सबसे पहला गार्डन आता है उसका नाम है हर्बल गार्डन। तो हर्बल गार्डन में आपको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ हर्ब्स देखने को मिल जाएंगी एंड उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ लगे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। एक्चुअली दिस हर्बल गार्डन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम इन द ईयर 2002। तो हर्बल गार्डन से जस्ट आगे आपके राइट साइड में आपको देखेगा बॉन्साई गार्डन एंड आपके लेफ्ट हैंड साइड में देखेगा आपको जो ब्यूटीफुल से दिखने वाला राष्ट्रपति भवन म्यूजिकल गार्डन। तो इस गार्डन में जनरली म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है एंड बैकग्राउंड में आपको काफी सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स भी सुनने को मिल जाएंगे। आफ्टर म्यूजिकल गार्डन हम एंटर करते हैं सेंट्रल गार्डन में, जो कि इस पूरे अमृत उद्यान का की अट्रैक्शन है, या कि आप बोल सकते हैं कि ये एक मेन गार्डन है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बैकड्रॉप में यहाँ पर जो राष्ट्रपति भवन दिखता है वो काफ़ी सुंदर लगता है एंड यकीन मानिए यहाँ पर जो फोटोग्राफ्स आती हैं वो बहुत सुंदर आती है। ये पूरा अमृत उद्यान अराउंड 15 एकर्स ऑफ लैंड में स्प्रेड है एंड यहाँ पर आपको ओवर 150 वेराइटीज ऑफ रोजेस, टुलिप्स, एशियाटिक लिलीज एंड अदर वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे। तो इस गार्डन में विजिटर्स की एंट्री मॉर्निंग में 10 बजे स्टार्ट हो जाती है एंड शाम को 4 बजे तक यहाँ लास्ट एंट्री होती है एंड आई थिंक अराउंड 5 बजे तक ये गार्डन क्लोज हो जाता है। एंड फॉर मेंटेनेंस ये गार्डन हर मंडे विजिटर्स के लिए क्लोज रहता है। तो इस गार्डन का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है उसका नाम है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, तो यहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में, तो आप चाहे तो वॉक करके भी यहाँ तक आ सकते हैं। तो सेंट्रल गार्डन के बाद हम पहुंचते हैं इस गार्डन में, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे रोजेज देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर डिफरेंट कलर के रोजेज हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ के रोजेज हैं, तो अगर आप एक रोज़ लवर है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे रोजेज देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको अभी रेड रोजेज दिख रहे हैं,
देन यहाँ पर आपको व्हाइट रोजेस देखने को मिलेंगे, येलो रोजेस हमने देखे, यहाँ पर पिंक रोजेस देखे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के आपको रोज यहाँ पर इजीली देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे रोजेस की वैरायटीज देखने के बाद हम पहुंच जाते हैं इस ऑसम से दिखने वाले सर्कुलर गार्डन में। ट्रस्ट मी गाइस, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन्स आई हैव एवर सीन। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ना पूरे अमृत उद्यान की सोल है ये गार्डन। ये पूरा गार्डन एक सर्कुलर शेप में आपको दिखेगा ना, चारों तरफ यहाँ पर फ्लावर्स ही फ्लावर्स लगे हुए, कलरफुल फ्लावर्स लगे हुए थे, एंड बीच में इसकी जो की अट्रैक्शन था वो ये फाउंटेन। इस फाउंटेन की वजह से ना पूरा गार्डन बहुत सुंदर लग रहा था, एक डिफरेंट लेवल की वाइब थी इस पूरे गार्डन की, एंड इतने सारे फ्लावर्स की वजह से ना पूरे एटमोसफेयर में एक अलग ही खुशबू आ रही थी। तो सर्कुलर गार्डन से एग्जिट होते ही आपको दिखेगा ये फूड कोर्ट, यहाँ से आप स्नैक्स ले सकते हैं, यहाँ पर आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स और चाय समोसा इजीली अवेलेबल है, एंड साथ ही साथ यहाँ से आप सोवनियर्स भी खरीद सकते हैं, एंड यहाँ पर वॉशरूम्स की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। तो आपको गेट नंबर 35 से एग्जिट लेना है, एंड एग्जिट लेने के बाद ही आपको काफ़ी सारे स्ट्रीट वेंडर्स दिख जाएंगे। तो आई होप ये अमृत उद्यान आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड वन इम्पॉर्टेंट नोट, ये गार्डन 26 मार्च से नॉर्मल पब्लिक के लिए बंद होने वाला है, तो प्लीज़ मेक योर प्लान सून, एंड थैंक यू सो मच।